ये सर जी, बात करें अगर अब सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वादा देख रहे हैं कि 6310 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 6400 का ही लगा चुका है, 1.5% की करेक्शन है। रूपा जी, कल के कारोबारी सत्र में हमने सोयाबीन को 6400 के ऊपर भी ट्रेड करते नजर देखा था, हालांकि हम देख रहे हैं कि आज भी सोयाबीन 6400 के लेवल पर ही खुलती नजर आई है। रूपा जी, आपको यहाँ से क्या लगता है, जिस हिसाब से देख रहे हैं कि US के अंदर सोयाबीन और मक्के की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, ब्राज़ील में भी जो वेदर कंडीशंस हैं वो भी सही नहीं बताई जा रही हैं, गर्मी हॉट वेदर ज़्यादा देखने को मिल रहा है वहाँ पे, साउथ अमेरिका के अंदर वहाँ पे वेदर कंडीशंस की वजह से सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है थोड़ा कम बताया जा रहा है, हालांकि रिकॉर्ड रह सकता है लेकिन थोड़ा कम बताया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जब तक विदेशों में तेजी है तो क्या यहाँ पे भारतीय तेल तिलन के बाजार में भी सोयाबीन की कीमतों में तेजी देखने को मिलती रहेगी? देखिए, बिल्कुल सपोर्ट जरूर वहीं से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और वापिस से जिस तरीके से सोयाबीन में खरीदारी लौटी है और एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके चलते एक्सपेक्टेड है कि सोयाबीन में अभी करंट लेवल से भी 200 से 250 रुपए की तेजी और बन सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। मैक्सिमम अगर यहाँ से बाजार उठता भी है तो 6500 तक की अपसाइड मोमेंटम जा सकता है, और नीचे में 6200 है, तो आज थोड़ा सा करेक्शन में है मार्केट, तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा नीचे जा सकता है, 6260 से 6240 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है जी। तो यानी कि 6200 से ऊपर में 6500, रूपा जी कह रही हैं कि आज ऐसी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, हालांकि आज हो सकता है कि सोयाबीन की कीमतों में जो प्रॉफिट बुकिंग है वो थोड़ी गहरा जाए। विदेशों में जो सोयाबीन के बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, सोयाबीन की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, उसका असर कहीं ना कहीं घरेलू सोयाबीन की कीमतों पर भी जरूर पड़ता नजर आ सकता है, और वही हमने कल होते हुए भी देखा और आज भी देख रहे हैं कि सोयाबीन 6400 पर खुलती नजर आई है। तो सोयाबीन में अभी विदेशों में तेजी का सपोर्ट देखने को मिल सकता है।